एवं कि देव भगवान शिव पार्वती के सुपुत्र प्रथम पूज्य श्री गणपति जी के महोत्सव के भव्य पांडाल मुजफ्फरनगर में नई मंडी क्षेत्र की भड़ी धर्मशाला में श्री सिद्धि विनायक गणेश जन्मोत्सव समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है। श्री गणेश जन्मोत्सव 17वें आयोजन का आज तीसरा दिन में मुख्य अतिथि द्वारा भगवान श्री गणेश जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में एसडी पब्लिक स्कूल की छात्राओं द्वारा भक्ति में बहुत गीतों के भव्य नृत्य कर सभी दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान महाराजा दक्ष के हवन कुंड में देवी पार्वती का सती होना और उसके बाद शिव तांडव की प्रस्तुति बहुत भावुक रही। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुमित गर्ग, महामंत्री व्यापार मंडल अमित कुमार बंसल, प्रदेश वरिष्ठ प्रचार मंत्री अमित अग्रवाल, हर्षवर्धन जैन, आशुतोष गुप्ता, मयंक शर्मा, प्रतीक गोयल, आलोक गुप्ता और अमित सप्पल व्यापार मंडल आदि लोग उपस्थित रहे। पंडित अवधराज आचार्य जी के सानिध्य में चल रहे इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर की प्रसिद्ध श्री सिद्धि विनायक गणेश जन्मोत्सव समिति के अध्यक्ष रामपाल तायल, संजीव संजय गर्ग, उप सचिव देशपाल, मीडिया प्रभारी विजय सैनी, बॉबी सिंगर, सुनील अग्रवाल, जगवीर पाल, दिनेश पाल, राजेश पत्रा, कपिल मुनि, शंभाकर गर्ग, रोहित पाल आदि का विशेष योगदान रहा। एसडी पब्लिक स्कूल की श्रीमती गीता मित्तल, संचालक शशिकांत, श्रीमती वंदना शर्मा, श्रीमती रितु सैनु, अनुपमा पूजा चारू का विशेष योगदान रहा। सफल मंच संचालन भारत भूषण अरोड़ा के द्वारा किया जा रहा है। शशिकांत शर्मा, ये प्रतियोगिता नहीं थी, भगवान का गुणगान था। तो विगत वर्षों से एसडी पब्लिक स्कूल किसी एक दिन सिद्धि विनायक मंदिर के द्वारा एक कार्यक्रम जो गणेश चतुर्थी का उत्सव किया जाता है उसके अंदर अपनी तरफ से बच्चे एक भक्ति की भावना से यहाँ पर आते हैं और भगवान सिद्धि विनायक जी का गुणगान करते हैं। साथ ही साथ बच्चों के अंदर एक तरह की धर्म के प्रति भावनाएँ डेवलप करना हम लोग का उद्देश्य रहा है। पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी संस्कृति को जाने, हम लोग का ऐसा समावेश करना हमारा उद्देश्य है। मैं एकदम गिन के तो नहीं बता पाऊँगा पर मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी संख्या बच्चों की थी। मतलब ये समझ लीजिए कि हमने 60 या 8 प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ प्रस्तुत किए और एक बहुत बड़ी संख्या में हम लोग को बच्चा प्रतिदिन यहाँ पर आता है। तो हर साल हम इसी प्रकार से भगवान सिद्धि विनायक का गुणगान करते हैं। प्रोग्राम का केवल एकमात्र संदेश देना चाहते हैं कि बच्चा अपनी संस्कृति के विषय में जाने और उसके अंदर संस्कार डेवलप हो ताकि वो ऊर्जावान बने, देश के लिए समर्पित बने, अच्छा नागरिक बने। दर्शकों को संदेश ये है कि जब समय हम इस तरह के कार्यक्रम के अंदर आते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी का समावेश होता है। इस एनर्जी के साथ अब अगर आप घर जाएंगे तो आप अपने जीवन का आनंद उठा पाएंगे और जो स्ट्रेस भरी ज़िंदगी है वो शायद कुछ कम हो सकती है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आज 30 से 35 टीचर हम लोग यहाँ पर थे और सभी अपने मन से वॉलंटरी इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और उद्देश्य केवल एक कि हम पॉजिटिव एनर्जी को लेकर जाएं और कुछ समय के लिए सब कुछ भूलकर अपनी संस्कृति में खो जाएं। मैं गीता मित्तल, इंचार्ज एसडी पब्लिक स्कूल मिडिल विंग 5th-8। आज का कार्यक्रम हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों ने जो 5th से 8th तक पढ़ते हैं, नियर अबाउट 60 स्टूडेंट ने पार्ट लिया। बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति दी, बच्चों के एग्जाम थे फिर भी उन्होंने उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। रास का आयोजन हुआ, राधा कृष्ण का इतना सुंदर नृत्य हुआ, एक सुंदर बहुत सुंदर सती दहन की नृत्य नाटिका हुई जिसमें साक्षात शंकर भगवान, हमारे जो शंकर भगवान का अभिनय कर रहे थे उनके अंदर आ गए। एक गणपति जी को मनाने के लिए देवा श्री गणेश आए, देवा का डांस बहुत मनमोहक प्रस्तुति थी। महाराष्ट्रियन ड्रेस में जो बच्चे ढोल और लेजियम लेकर प्रस्तुति दे रहे थे, सारी ऑडियंस मंत्रमुग्ध थी। छोटे छोटे दो प्यारी लड़कियों ने भी डांस किया, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, और एक बच्चे ने बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। और मैक्सिमम जितनी भी प्रेजेंटेशन थी हमारी ग्रुप में थी और लास्ट में तुझ
उसको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। इसने सारे श्रोतागणों को नाचने के लिए मजबूर कर दिया। जितने भी अतिथिगण थे सभी ने डांस किया, जितने हमारे स्टाफ था सबने उनके साथ उनका सहयोग किया और सभी बच्चों ने एक से एक प्रस्तुति दी। शिवाय का एक बहुत डांस, बहुत सुंदर डांस हुआ, लागी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। सारे प्रोग्राम एक से बढ़कर एक थे। कृष्ण जी का एक बहुत सुंदर डांस था, मनमोहन छवि तेरी अति प्यारी, और एक आया रे आया रे गोविंद आया रे, बहुत सुंदर सुंदर सारे डांस हुए। हमारे संचालन हमारे श्रीमान शशिकांत शर्मा ने किया, बहुत ही सुंदर तरीके से सारे प्रोग्राम को बांधा, और हमारी बहुत सारे टीचर्स का बहुत योगदान था। इतने सारे नाम हैं लेने संभव नहीं है, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा एस डी पब्लिक स्कूल की तरफ से गणपति जी को समर्पित। आज के प्रोग्राम में 60 से भी ज़्यादा बच्चे थे। हर साल हम 100 से ज़्यादा बच्चे प्रस्तुति देते हैं, लेकिन इस बार एग्जाम होने की वजह से थोड़े बच्चों की प्रस्तुति कम रही। हम ये संदेश देने जाते हैं, गणपति जी सबके घर में सुख और समृद्धि लाए और अगले बरस बहुत जल्दी आए। जितने लोगों ने आज प्रोग्राम अटेंड करा उनके घर में कोई भी दिक्कत ना हो और सबके घर में सुख और शांति हो।